चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम लोग 126 नंबर के क्वेश्चन से। पिछला क्लास में 125 नंबर तक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया था। अब कुछ क्वेश्चन आप खुद भी बनाने का कोशिश करोगे, ठीक है। जो सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा अब मैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करूंगा आपके लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 126 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए कि क्या दिया हुआ 126 नंबर का। दो स्टेशन के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 4:1 है तथा प्रथम और द्वितीय श्रेणी में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या 1:40 है। यदि कुल किराए की वसूली 11,000 रुपया हो तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से वसूले गए किराए की रकम कितनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो यहां पर ध्यान से। किराया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रथम और द्वितीय श्रेणी का किराया दिया हुआ। तो प्रथम श्रेणी का अगर किराया 4 यूनिट रुपया है तो द्वितीय श्रेणी का किराया कितना है, 1 रुपया, 4:1 है ना। अब नंबर ऑफ पैसेंजर्स क्या दिया हुआ है। प्रथम श्रेणी में अगर एक आदमी यात्रा करता है तो द्वितीय श्रेणी में टोटल 40 आदमी यात्रा करता है। 1:40 का मतलब यही हुआ है ना। तो अब आप देखो कि एक आदमी का किराया अगर 4 रुपया हो तो टोटल किराया कितना हो जाएगा, आप बताओ। टोटल जो किराया होगा वो हो जाएगा 4, बोलो होगा क्या। और 40 आदमी का किराया 1-1 रुपया होगा तो टोटल किराया कितना हो जाएगा, 40। तो टोटल प्रथम श्रेणी से और द्वितीय श्रेणी से दोनों से मिला करके आप क्या देख पा रहे हो कि 44 यूनिट किराया निकल के आ रहा है। और यही 44 यूनिट रुपया जो है वो 11,000 रुपये के बराबर है। यही तो क्वेश्चन दिया है ना। तो फिर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रथम श्रेणी के यात्रियों से, प्रथम श्रेणी के, तो प्रथम श्रेणी के यात्री से कुल किराया कितना लिया जा रहा है, कुल 4। तो हम लोग देख रहे हैं 44 यूनिट बराबर 11,000 है तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा। तो 44 में अगर 11 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4। इसी तरह से 11,000 में 11 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1,000। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और 127 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 127 नंबर का। आफ्ताब के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, ठीक है। यदि सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 है तो मुर्गियों की संख्या कितनी है, ठीक है। ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, जितना तरीका से चाहोगे उतना तरीका से ये बना सकते हैं। एलिगेशन मिक्सर वाले एक रूल से भी हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। हालांकि अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर वो रूल नहीं देखेंगे, वो रूल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो एलिगेशन का होगा वहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसको समझना ध्यान से। देखो, एक तो हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, एकदम सिंपल तरीका, जो जिसको कुछ भी नहीं आता वो ऐसे बना सकते हैं। देखो, सबको पता है कि मुंडी तो एक ही होगा ना, सिर तो सबके पास एक ही होगा, सिर तो किसी के पास 2 या 3 या 4 या 10 तो होगा नहीं, ठीक। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुर्गी और गाय जब दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल हमारा 48 होना चाहिए, ठीक। अगर मुर्गी के पास 2 पैर है तो 2H लिख लेते हैं हम लोग, जबकि अगर गाय के पास हम लोग देखते हैं 4 पैर है तो टोटल हम लोग 4C लिख लेते हैं। यहाँ से क्या निकल के आ जाता है सामने, 140। अब आप इसको क्या करो, दोनों में से किसी एक को, एक वेरिएबल को बराबर कर लो। जैसे हम लोग इसको ऐसा करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 48 × 96, 2C 2H। अब इसमें से आप इसको घटा दो, दूसरे वाले इक्वेशन में से पहले वाले इक्वेशन को घटा दो, तो 2H से 2H माइनस हो जाएगा, 4C से 2C अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पर 2C बचेगा, ठीक है, बराबर। अब 140 में से 48 × 96 माइनस करोगे तो 44 बचेगा। तो यहाँ से गाय का जो संख्या आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा, बोलो आएगा क्या। और जैसे ही गाय का संख्या 22 आ गया तो मुर्गियों का जो संख्या है टोटल है 48, 48 में से अगर हम लोग 22 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 26, बोलो आएगा क्या, ठीक है। दूसरा तरीका पे ध्यान देना थोड़ा सा। हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, ध्यान से समझने का सिर्फ कोशिश करो। जैसे देखो, मुर्गी के पास 2 पैर और गाय के पास 4 पैर। हम लोग ऐसा करते हैं, गाय का 2 पैर नहीं काउंट करते हैं। तो 2 पैर अगर काउंट नहीं करेंगे तो 2-2 पैर ही हुआ ना दोनों के पास, गाय के पास भी 2 पैर और मुर्गी के पास भी 2 पैर, ठीक है। ध्यान से समझना, टोटल है 48।
तो 48 को अगर डबल करोगे, 4800 मुर्गी और गाय दोनों का अगर पैर गिनोगे, गाय का दो पैर हम लोग नहीं काउंट कर रहे हैं, तो 48 दुनी क्या हो गया 96, होना कितना चाहिए था नंबर ऑफ लेग्स 140, हो कितना रहा है 96, तो कितना नहीं हुआ बताओ, तो 96 ही हुआ, 140 होना चाहिए था तो हुआ 44 पैर नहीं हुआ। अब आप सोचो कि जब 44 पैर नहीं दिख रहा हमें, तो एक गाय का दो पैर, दो पैर एक गाय का, तो 44 पैर नहीं दिखने का मतलब है 22 गाय होगा, बोलो होगा क्या? हम लोग अनुमान से बना सकते हैं इसको, अनुमान कहने का मतलब कि माइंड में ही बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपको दो पैर एक गाय का नहीं दिख रहा है, तो 44 पैर नहीं दिखने के लिए गाय की संख्या कितनी होनी चाहिए 22, बोलो होनी चाहिए क्या? और जैसे ही गाय की संख्या 22 आ गई, तो आप समझ लो कि 48 में से 22 घटाएंगे तो मुर्गियों का संख्या क्या आ जाएगा 26। या हम ऐसा करते हैं कि हमें पता है कि मुर्गी के पास दो ही पैर है, आप लोग की तरफ चार है क्या? दो ही होता है, चलो आप लोग की तरफ मान के चलते चार होता है, जबरदस्ती एक मुर्गी को दो पैर एक्स्ट्रा दे दो, दे दिए, और एक गाय को तो चार है ही, बोलो है क्या? अब चार चार पैर अगर सबका काउंट होगा तो 48 है, तो 48 को अगर हम लोग चार गुना करते हैं तो 192 आएगा, 48 गुना चार क्या आएगा 192, लेकिन आना कितना चाहिए 140, तो एक्स्ट्रा कितना हो रहा है बोलोगे 52, 52 एक्स्ट्रा हो रहा है। और आपको पता है कि एक मुर्गी का हमने दो पैर गिना, एक्स्ट्रा गिना, तो 52 पैर एक्स्ट्रा होने के लिए हमारे पास कितनी मुर्गी होनी चाहिए 26, आया समझ में? चलिए उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम लोग 128 नंबर का क्वेश्चन, देखो ध्यान से 128 इस तरह का क्वेश्चन, हालांकि हमने पहले भी बताया है 128 नंबर का क्वेश्चन, देखो ध्यान से। ए बी सी के खर्च का रेशियो दिया हुआ, ए बी और सी के खर्च का रेशियो दिया हुआ, क्या रेशियो दिया हुआ भाई? तो बोलोगे 16:12:9 दिया हुआ है, ठीक है। कहा जा रहा क्या, और उसकी कुल आय, कुल जो इनकम है वो है 1530 रुपया, बी की आय ज्ञात करो यदि वे 20% 25% और 40% बचत करते हैं। तो कोई भी जो बचत करेगा वो अपने इनकम का बचत करेगा, बोलो अपना जो उसका खुद का इनकम होगा उसका परसेंटेज में बचत करेगा, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर सेविंग क्या सब दिया हुआ, सेविंग दिया हुआ ए अपना 20% खर्च सेव किया, बी अपना 25% सेव किया और सी अपना 40% सेव किया, ठीक है। अब हम लोग इनकम निकालते हैं, कैसे इनकम निकालते हैं ध्यान से समझना, रेशियो में इनकम निकालेंगे कैसे समझो ध्यान से। एक बात आप खुद सोचो कि एक अपना 20% सेव किया, तो सीधा सा मतलब है कि 80% क्या किया होगा, खर्च किया होगा, तो ए का 80% 16 होगा, बोलो होगा क्या? इसी तरह से बी 25% अगर सेव किया तो खर्च कितना किया होगा अपना 75% खर्च किया होगा, सी अपना 40% सेव किया तो खर्च कितना किया होगा 60% खर्च किया होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से कि 80% अगर 16 को रिप्रेजेंट करेगा तो 20%, तो 20% देखो इसका 1/4 है, तो 16 का 1/4 क्या हो जाएगा 4, बोलो होगा क्या? अब 16 खर्च किया 4 बचत किया तो टोटल इसका इनकम क्या होना चाहिए 20, ठीक है। यहाँ पर देखो 75% रिप्रेजेंट करेगा 12 को, तो 25% रिप्रेजेंट करेगा किसको, इसका 1/3 है तो 12 का भी 1/3 ले लो, तो 12 का 1/3 क्या होगा 4, तो इसका मतलब इसका इनकम क्या हो जाएगा 12+4 मिलके 16, ठीक है। 60% अगर रिप्रेजेंट करेगा 9 को तो 40% रिप्रेजेंट करेगा बताओ 6 को, करेगा क्या कैसे? अरे 60% 3 यूनिट हुआ, 40% 2 यूनिट हुआ, 3 × 2 = 5 यूनिट, समझ में आ रहा है? ये 3/5 है, ये 2/5 है, तो 3 यूनिट 2 यूनिट, 3 यूनिट रिप्रेजेंट करा 9 को, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 6 को, अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 15, बोलो आएगा क्या? अब यहाँ पर इनकम आ गया 20:16:15, अगर आप सबको ऐड करके देखोगे तो 16 15 मिलके 31 और 20 मिलके हो जाता आपका 51, बोलो होता है क्या? क्वेश्चन में कहा जा रहा क्या कि 1530 रुपया इसका इनकम है, तो 1530 रुपया अगर इसका इनकम है तो
बी का इनकम ज्ञात करो। किसका इनकम? बी का इनकम ज्ञात करते हैं। तो 51 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1530 को, तो एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा देखो 5 3 15, 1 3 3 तो 30 को, बोलो करेगा क्या? और जैसे ही एक यूनिट रिप्रेजेंट करा 30 को, तो 16 यूनिट बराबर 16 3 48, यानी हम लोग लिख सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा, 480। क्लियर हुआ? बोलो। अब इस तरह का क्वेश्चन पिछले क्लास में भी मैं बता चुका हूं आपको, अब इस तरह का क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग आगे। 129 नंबर का क्वेश्चन अब मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है? 129 नंबर का क्वेश्चन मैं अब आपके लिए छोड़ रहा हूं, बन जाना चाहिए आपसे, ठीक? आते हैं 130 नंबर के क्वेश्चन पे। देखो ध्यान से, यहां पर 130 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ, 2366 रुपया 8 आदमी 10 औरतों और 10 बच्चों में इस तरह बांटे गए कि हर आदमी को औरत से 25% ज़्यादा, हर औरत को बच्चे से 25% ज़्यादा मिले, तो ज्ञात करें एक औरत को कितने पैसे मिले। देखो ध्यान से, कुछ भी नहीं है इसमें, यहाँ पर बांटा किसको किसको जा रहा है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे रिलेशन, तो एक आदमी को एक औरत से 25% ज़्यादा, तो 25% ज़्यादा आपको पता होगा 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 है, और 4 अगर वीमेन को मिलेगा तो 1 ऐड करके 5 किसको मिलेगा, मेन को मिलेगा। ये रिलेशन हमने आपको पहले ही क्लास में बताया था, इसको आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? और फिर कहा जा रहा है हर औरत को एक बच्चे से 25% ज़्यादा मिल रहा है, तो बच्चे को अगर 4 यूनिट मिलेगा तो औरत को कितना मिलेगा, 5 यूनिट मिलेगा, बोलो मिलेगा क्या? तो हम लोग यहाँ पर करते क्या है कि एक औरत को 5 यूनिट मिल रहा है, एक औरत को यहाँ पर 4 यूनिट मिल रहा है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो इसको बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे बताओ, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसके साथ तो 5 से मल्टीप्लाई हुआ। अब हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं कि एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा को मिलने वाली राशि, तो एक आदमी को 25 यूनिट मिल रहा है, एक औरत को 5 का 20 यूनिट मिल रहा है और एक बच्चा को 16 यूनिट मिल रहा है, बोलो मिल रहा है क्या? अब यहाँ पर देखो कि 8 आदमी 8 मेन, 10 औरत और 10 बच्चे को टोटल रुपया बांटा जा रहा 2366, ठीक है? अब एक आदमी को अगर 25 यूनिट मिलेगा तो 25 8 200 यूनिट मिलेगा 8 आदमी को, एक औरत को अगर 20 यूनिट मिल रहा है तो 10 औरत को कितना मिलेगा, 200 यूनिट मिलेगा, एक बच्चा को अगर 16 यूनिट मिल रहा है तो 160 यूनिट मिलेगा 10 बच्चा को, ठीक है? अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सबको ऐड कर दो, देखो इसके साथ रिलेशन में है तो 200 200 160, तो 400 560 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 2366 को, और क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है एक औरत को कितना पैसा मिलेगा, तो एक औरत को कितना पैसा मिल रहा है 20 यूनिट, तो 20 यूनिट बराबर निकाल लो, आंसर आ जाएगा। देखो पहले इस दोनों को निकाल लो, यहाँ से निकल गया क्या, ठीक है? और थोड़ा सा काट दो इसको, 2 इकाई 2 28 दूनी 56, ठीक है? अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, तो 28 यूनिट बराबर आ रहा आपका 2366, एक यूनिट बराबर कितना आएगा, उम्मीद करते हैं कि ये अब आप सॉल्व कर लोगे। आगे बढ़े क्या, 131 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 131 नंबर का भी वही है, सभी पुरुषों और महिलाओं में बांटी गई सैलरी का रेशियो है 6:5, सभी में सैलरी बांटा गया, टोटल सैलरी 6:5 है, किसमें, महिलाओं में और पुरुषों में, ठीक है, पुरुषों और महिलाओं में, ये टोटल सैलरी है, ध्यान से समझना, ये क्या है भाई मेरे, ये है टोटल सैलरी, ठीक है? और एक पुरुष और एक महिला में बांटी गई सैलरी का जो रेशियो दिया हुआ है, एक पुरुष और एक महिला में बांटी गई सैलरी का रेशियो है 2:3, तो एक पुरुष और एक महिला में, तो एक तरह से ये एवरेज को रिप्रेजेंट कर दे रहा, कहीं भी पर आ जाए, प्रति आ जाए, वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, एवरेज को रिप्रेजेंट करेगा, प्रति केजी, प्रति आवर, प्रति लीटर, ये कहीं भी प्रति आ जाए, पर आ जाए, ईच आ जाए, आपको समझ के क्या चलना है, ये एवरेज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? तो कहा जा रहा है क्या, पुरुषों और महिलाओं की संख्या का रेशियो ज्ञात करें, पुरुषों और महिलाओं की संख्या का रेशियो ज्ञात करें। पहले भी हमने आपको बताया है कि टोटल बराबर होता है एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्न,
टोटल बराबर क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म बराबर क्या हो जाएगा, टोटल बटे एवरेज हो जाएगा। तो टोटल अगर 6 रुपया दिया गया है और एक आदमी को 2 रुपया मिल रहा है, तो नंबर ऑफ मेन क्या हो जाएगा, 6/2। इसी तरह से नंबर ऑफ वीमेन क्या हो जाएगा, 5/3। बोलो होगा क्या। अब 2 × 6 = 3 × 9, 9:5 इसका नंबर ऑफ मेन एंड वीमेन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अरे भाई, टोटल बराबर एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म, ये हमने पहले भी बताया, ठीक है। अगर आप शुरू से नहीं पढ़ रहे हैं रेशियो, तो उसको शुरू से पढ़ने का कोशिश करो, ठीक। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 132 नंबर का क्वेश्चन देखो कि क्या दिया हुआ। 132 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, ABC पिछले वर्ष की आय 3:4:5 है। इस तरह का क्वेश्चन हमने पीछे भी आपको बताया, अब लास्ट क्लास में भी इस तरह का क्वेश्चन हमने आपको बताया, ठीक है, मिसलेनियस में। तो कहा जा रहा क्या, ABC का लास्ट ईयर जो था वेतन, वो क्या दिया हुआ था, 3:4:5, ठीक। पिछले वर्ष की अपेक्षा वर्तमान वर्ष में, प्रेजेंट ईयर में, ए का कैसे बढ़ा, 4:5 बढ़ा, 4:5 बढ़ा। बी का कैसे बढ़ा, 2:3 बढ़ा, और सी का बढ़ा 3:4। यदि वर्तमान वर्ष में कुल आय 98,500 रुपया हो, तो बी प्लस सी का वर्तमान आय ज्ञात करें। तो आपको हमने बताया था कि ये पिछले वर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये अभी प्रेजेंट ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पिछले वर्ष से प्रेजेंट ईयर में आने के लिए 5/4 गुना कर देंगे, 5/4 गुना, और प्रेजेंट ईयर से पिछले वर्ष में जाने के लिए 4/5 गुना कर देंगे, 5 को नीचे ले आएंगे। हालांकि अभी हमें आना है प्रेजेंट ईयर में, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ, 5/4 से। इसी तरह से 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 से। इसी तरह से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से, ठीक। अब इसका रेशियो निकाल लो, रेशियो अब आप इसका निकाल सकते हो, ठीक है। देखो चलो, तो ये हो गया 15/4 और ये हो गया 12/2। काट सकते हैं इसको, चलो इसको काट ही दो, या नहीं भी काटोगे तो काम चलेगा, ठीक। और ये हो गया 20/3, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे में 4 है, इसके नीचे में 3 है, तो 4 और 3 का एलसीएम ले लो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 3 = 15, 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 × 15 = 45, ठीक है। 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 6 = 12 × 6 = 72, और 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 16 = 80, खत्म। अब सबको आप ऐड कर दो, तो 70 और 40 को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 110, 117, और 180 को ऐड करोगे तो आ जाएगा 197, 197 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा 98,500 को, ठीक है, 98,500 को। तो B प्लस सी का वर्तमान आय ज्ञात करें, तो 80 और 70 152 हो गया ये आपका, बोलो हो गया क्या। अब यहाँ से अगर आप काटना चाहोगे तो ये देखो 5 बार में कट जा रहा है, बोलो कट गया क्या। इसी तरह से आपको अब क्या करना है, 152 को मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 500 से कर देना है, ठीक है। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 76,000। क्लियर हो पा रहा है क्या, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 133 नंबर का क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ये वेरिएबल से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन घबराने की जरूरत इसमें आपको नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। कहा क्या जा रहा, ए बी का समानुपाती है, ए बी का समानुपाती है, और सी का व्युत्क्रमानुपाती है, ए के बारे में ही बोला। तो सी का व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है, कि ए समानुपात होगा 1/c के, तो हम लोग इसको ऐसा कर दे b/c कर देते हैं, तो ए समानुपाती हो जाएगा किसके, b/c के, ठीक है। चलिए, और उसके बाद कहा जा रहा है, यदि ए बराबर 12 है, यदि ए बराबर 12 और बी बराबर 6 तो सी बराबर 2 हो, तो ए का मान ज्ञात करें, यदि बी बराबर 12 है और सी बराबर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि देखो, समानुपाती होना एक अलग बात है, समानुपाती होना एक अलग बात है, बट इक्वल होना एक अलग बात है, ठीक। अब ये समानुपाती है b/c के, तो हम लोग इसको ऐसा करें, इसको इक्वल करने के लिए एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो k × b/c कर दें, बोलो कर दे क्या। तो a बराबर हमारा क्या हो गया, k × b/c हो गया, ठीक। अब a यहाँ पर 12 है,
के पता नहीं है, और बी के बारे में कहा जा रहा है ये 6 है, और सी के बारे में कहा जा रहा है ये 2 है। तो यहाँ से अगर आप गौर से देखोगे तो 2 3 6 और 3 4 12, तो यहाँ से के का जो वैल्यू है वो क्या निकल के सामने आ रहा है, 4। तो कांस्टेंट आपको पता चल गया कि 4 है, कांस्टेंट पता चल गया 4 है। अब ए का वैल्यू निकालना है जबकि बी और सी दिया हुआ है। आपको अभी पता है रिलेशन कि ए बराबर क्या होता है, के इंटू बी बाई सी होता है। अब ए का वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू हमारा 4 आ चुका है, बी बराबर 12 होना चाहिए, सी बराबर 3 होना चाहिए, तो 12/3 कर दो, बस बात खत्म। तो 3 4 12 करोगे, ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 16। तो वेरिएबल वाला क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर वेरिएबल से रिलेटेड देख लेते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं और 134 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 134 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, सिक्के का मूल्य सिक्के के त्रिज्या का वर्ग का समानुपात है। यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं वैल्यू जो है सिक्के का, सिक्के के त्रिज्या के वर्ग का, तो वर्ग हम लोग इसको स्क्वायर कर दे, इसका समानुपात है, ठीक है। अगर इसकी मोटाई स्थिर हो, इसका थिकनेस जो है वो कांस्टेंट हो, तो सिक्के की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर हो तो इसका मूल्य 2 रुपया होता है। यदि सिक्के का त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर हो तो इसका जो मूल्य है वो 2 रुपया होगा। कितना रुपया होगा, 2 रुपया, ठीक है। तो सिक्के की त्रिज्या ज्ञात करें यदि वैल्यू 5 रुपया दिया हुआ, तो सिक्के का त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है यदि वैल्यू 5 रुपया दिया हुआ। फिर से समझो, जो वैल्यू है वो इसके त्रिज्या के रेडियस के स्क्वायर का समानुपाती है, तो समानुपाती हम लोग रहने नहीं देंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर को, ठीक। तो वैल्यू बराबर क्या हो गया, के इंटू आर स्क्वायर हो गया, क्लियर। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अब यहाँ से के का वैल्यू निकलेगा, इस क्लू से हमको के का वैल्यू निकलेगा। तो वैल्यू यदि 2 रुपया हो तो कांस्टेंट के रखो, और 1.5 का स्क्वायर अगर लिखेंगे तो 2.25 लिख देंगे, बोलो लिखेंगे क्या। तो के का जो वैल्यू हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 2/2.25, अगर आप इसको हटा दो, ठीक है, तो 200/225 हो गया। हम लोग इसको 25 8 225 225 लिख सकते हैं। तो के का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 8/9, ठीक है। तो के का वैल्यू अब आ चुका है, अब क्या करते हैं हम लोग, एक रिलेशन तो पहले से ही पता है कि वैल्यू बराबर होता है क्या है, के इंटू आर स्क्वायर होता है। अब रेडियस निकालना है और वैल्यू 5 रुपया दिया हुआ, वैल्यू 5 रुपया दिया हुआ, रेडियस निकालना है, के का वैल्यू हमें पता है 8/9, अब गुना क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू निकाल लेंगे, देखो 9 5 45/8 हो गया, आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 45/8 हो गया, बोलो हो गया क्या। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 45/8, बोलो होगा क्या। हालांकि ये आपका परफेक्ट वैल्यू तो निकलेगा नहीं, फिर भी हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, बोलो निकलेगा क्या, ठीक है। देखो कैसे, तो 8 5 40 और 5/8 है, 0.62 के आसपास आ गया लगभग में, और 576 आपको अगर पता होगा थोड़ा सा भी, 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 24। तो अप्रॉक्सीमेट अगर वैल्यू हम लोग निकाल के चले तो 2.4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पर परफेक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा तो इसी वजह से हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये जो वेरिएबल वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अब आप बहुत आसानी से बना लेंगे। देखते हैं अब 135 नंबर का क्वेश्चन, देखो ध्यान से 135 नंबर का क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि एक बदमाश विद्यार्थी एक पेंसिल को 2 ऐसे भाग में तोड़ देता है जिसका अनुपात ओरिजिनल पेंसिल और बड़े टुकड़े के अनुपात के बराबर है। तो पेंसिल के छोटे टुकड़े और पेंसिल के ओरिजिनल लेंथ का अनुपात ज्ञात करें। देखो ठीक है, यहाँ पर क्या होता है ध्यान से समझना, एक पेंसिल है, ठीक, एक बड़ा सा पेंसिल है, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ देता है, मान के चलते हैं कि इसको 2 टुकड़ों में ऐसे तोड़ देता है, ध्यान से देखो टूट गया, ठीक है। हम लोग इसको मान के चलते हैं कि अगर ये 1 यूनिट होगा तो इसको एक्स यूनिट मान लो, एक्स गुना मान लो, मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, 2 वेरिएबल मानने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर ये 1 है तो 1 का ये एक्स गुना होगा,
एक का ये कितना गुना होगा, x गुना होगा, तो x इज टू वन। ये बड़ा टुकड़ा है और ये छोटा टुकड़ा, हमने छोटे टुकड़े को एक माना और बड़े टुकड़े को x माना, ठीक है। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी पे ध्यान दो। क्वेश्चन कहा जा रहा क्या कि ऐसे तोड़ता है, ऐसे तोड़ता है कि जिस अनुपात में ओरिजिनल पेंसिल और बड़ा टुकड़ा है, तो ओरिजिनल पेंसिल x प्लस वन हुआ और बड़ा टुकड़ा x हुआ, इसका जो अनुपात है x प्लस वन यानी ओरिजिनल पेंसिल और बड़ा टुकड़ा x का जो अनुपात है वो बराबर होगा बड़े टुकड़े और छोटे टुकड़े, बड़े टुकड़े और छोटे टुकड़े, बड़े टुकड़े का अनुपात के बराबर है, एक सेकेंड रुको, जिसका अनुपात ओरिजिनल पेंसिल और बड़े टुकड़े के अनुपात के, हाँ ओरिजिनल पेंसिल और बड़े टुकड़े के अनुपात के बराबर है, ठीक है, x बाई वन हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं, और x का वैल्यू निकालने के बाद क्वेश्चन पूछा जा रहा है पेंसिल के छोटे टुकड़े, पेंसिल के छोटे टुकड़े और ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, इस दोनों का रेशियो क्या होगा, ठीक। अब यहाँ से देख लो, यहाँ पर x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वन की, बोलो हो गया क्या, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अगर करेंगे तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन हो जाएगा, इससे हमारा कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग सारे को इस तरफ लेके चले आते हैं, तो सारे को इस तरफ लेके आओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बराबर क्या हो गया, ज़ीरो, ठीक है। अब एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है बताओ, किसी को पता है क्या, माइनस बी अगर आपको पता हो तो मैं लिख देता हूँ फिर भी, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, बोलो होता है क्या, ठीक है। तो यहाँ से चलो हम लोग निकाल लेते हैं, माइनस बी के जगह पे माइनस 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 है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस हम लोग रखेंगे नहीं, अगर वेरिएबल ये बड़ा आ गया तो फिर पेंसिल का टुकड़ा का जो लेंथ है वो हमको छोटा आ जाएगा, इसलिए हम लोग प्लस का ही साइन लेकर के चलेंगे, प्लस। अब बी स्क्वायर यानी एक, ठीक है, और माइनस फोर ए सी, तो ए इंटू सी, ए इंटू सी करेंगे तो यहाँ भी प्लस ही आ जाएगा, बोलो आएगा क्या, तो ए इंटू सी दोनों जगह पे एक है तो यहाँ पर चार हो गया, बटे टू ए का मतलब हो जाएगा ओनली टू। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, रूट अंडर फाइव प्लस वन बाई टू आ गया, बोलो आ गया। अब छोटा टुकड़ा हमारा एक है, छोटा टुकड़ा हमारा क्या है, एक है, और ओरिजिनल लेंथ हमारा x प्लस वन है, तो ओरिजिनल लेंथ हमारा x प्लस वन है तो x का वैल्यू हमारा आ चुका है रूट अंडर फाइव प्लस वन बाई टू प्लस वन, बोला आया क्या। अब इसको सॉल्व कर देंगे, कुछ भी नहीं बचा इसमें, तो रूट अंडर फाइव प्लस वन, दो इकाई दो, ये ऊपर चला जाएगा तो रूट अंडर फाइव प्लस ये हो जाएगा ऊपर में थ्री, और दो इस तरफ चला आएगा तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो रेशियो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टू इज टू रूट अंडर फाइव प्लस थ्री, क्लियर। चलो बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 136 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ, ध्यान से देखना, 136 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बच्चे के पास तीन अलग प्रकार के चॉकलेट हैं जिनका रेट क्रमशः दो रुपया, पाँच रुपया और दस रुपया है, ठीक है। 120 रुपया उसने खर्च किए, कितने खर्च किए उसने, 120 रुपया खर्च किए, ठीक है। कम से कम वह कितना चॉकलेट ले, कम से कम वह कितना चॉकलेट ले जिससे सभी प्रकार के चॉकलेट भी उसके पास हो, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो 137 नंबर का दिया हुआ है, 137 नंबर का, उसमें कहा जा रहा क्या, पिछले प्रश्न में अधिक से अधिक वह कितना चॉकलेट खरीद सकता है, तो एक बार कम वाला क्वेश्चन है और एक बार अधिक वाला, तो सभी प्रकार के चॉकलेट होने चाहिए, और जब कम से कम होगा, कम से कम होगा तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो ज़्यादा रुपया वाला है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। और जब ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें चॉकलेट लेना है तो जो कम रुपया वाला, अरे सोचो ना भाई मेरे, 100 रुपया का मान के चलो एक चॉकलेट है, तो ज़्यादा रुपया वाला एक ही चॉकलेट खरीद पाए, और एक रुपया का एक चॉकलेट है तो 100 रुपया में एक एक रुपया वाला खरीदेंगे तो ज़्यादा चॉकलेट खरीद पाएंगे, बात समझे। तो इसका मतलब ये है कि अगर कम से कम चॉकलेट खरीदना है तो सबसे ज़्यादा इसको रखना पड़ेगा, 10 टकिया चॉकलेट को रखना पड़ेगा, बात समझे। तो यहाँ पर देखो है क्या, ये 120 रुपया दिया हुआ, थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पर अनुमान लगाना है। पहले तो 5 रुपया वाला दो चॉकलेट ले लो, तो जब 5 रुपया वाला दो चॉकलेट लोगे तो खर्च कितना हो जाएगा, 10 रुपया खर्च हो जाएगा, बोलो, कम से कम दो चॉकलेट लेना ही पड़ेगा।
और 2 रुपया वाला कम से कम 5 चॉकलेट लोगे, तभी यहाँ पर देखो 10 10 ये डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल है, तो 5 × 10 रुपया यहाँ पर खर्च हो रहा है। देखो तो हमने कोशिश ये किया कि कम से कम यहाँ पर खर्च हो, और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर खर्च हो, 10 रुपया वाले में। ठीक, तो 10 10 20 रुपया खत्म हो चुका है, तो बचा कितना, 100 रुपया। बोलो बचा क्या, तो 10 रुपया वाला कितना चॉकलेट आ जाएगा, 10 चॉकलेट आ जाएगा, 10 रुपया वाला 10 चॉकलेट। तो अगर आप गौर से देखोगे तो कम से कम कितना यह चॉकलेट खरीद सकता है, 5 2 7 7 + 10 मिलके 17 चॉकलेट कम से कम खरीद सकता है। यही बात अगर अधिक से अधिक में आ गया, यानी 2 रुपया वाला, 5 रुपया वाला और 10 रुपया वाला, और खर्च कितना करना है, 120 रुपया। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर चॉकलेट खरीदना है तो कम से कम एक एक तो होना ही चाहिए। तो 10 रुपया वाला मान के चलो कि एक ही चॉकलेट लिए, तो 10 रुपया मेरा खर्च हुआ, कितना रुपया खर्च हुआ, 10 रुपया। ठीक है, 2 रुपया वाला सबसे ज़्यादा चॉकलेट लेंगे, 2 रुपया वाला सबसे ज़्यादा चॉकलेट लेंगे तभी। तो 5 को भी हमको कम ही खर्च करना है, तो 5 को कम से कम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 10 रुपया ही खर्च हुआ। अभी बच गया हमारे पास कितना रुपया, 100 रुपया बच गया। बोलो बच गया क्या, 120 रुपया में 20 रुपया घट गया, तो बचा कितना, 100 रुपया। तो 100 रुपया बच गया और 2 रुपया वाला चॉकलेट खरीदना है, तो बताओ कितना चॉकलेट खरीदेंगे, 50। तो 50 × 52 = 53। अब तो अधिक से अधिक चॉकलेट हम लोग कितना खरीद सकते हैं इसमें, 53 चॉकलेट, और कम से कम कितना चॉकलेट खरीद सकते हैं, 17। और शर्त ये भी है कि प्रत्येक प्रकार का चॉकलेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 10 टकिया वाला खरीदवे नहीं करेंगे, समझे, ऐसा नहीं। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा। बढ़े आगे, चलिए 138 नंबर का क्वेश्चन अब आप खुद से बनाएंगे। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग 139 नंबर, चलो 138 का मैं बना देता हूँ, देखो ध्यान से। 138 का क्वेश्चन क्या था, किसी पेंडुलम का समय अंतराल, ठीक है, टाइम का जो डिफरेंस, उसके लंबाई के वर्गमूल का सीधा विचरण करता है। टाइम का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन टाइम, उसके लंबाई का, लेंथ के वर्गमूल का सीधा अनुपात है। ठीक है, तथा गुरुत्व स्थिरांक का व्युत्क्रमानुपाती है, गुरुत्व स्थिरांक का व्युत्क्रमानुपाती, यानी जी को नीचे रख दो। ठीक है, यदि समय अंतराल 3 सेकेंड है, ठीक है, और तो तथा गुरुत्व स्थिरांक जी के बारे में दिया जा रहा है 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो, ये दिया हुआ, ठीक है, तो लेंथ के बारे में क्या कहा जा रहा है, एक सेकेंड रुक जाओ, थोड़ा सा हिंदी में गड़बड़ है। तो लेंथ कहा जा रहा है ये 9 मीटर का है, ठीक है, इंग्लिश वाले में देखो। फिर कहा जा रहा है क्या, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ बॉब हैविंग द स्ट्रिंग ऑफ 4 मीटर लेंथ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 16 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, टाइम का अंतर कितना होगा। तो कुछ भी नहीं करना, वैसे ही करना, देखो जो जहां बस उसको फिट कर रखो, फिर टी बराबर क्या हो जाएगा, K × √L/G हो जाएगा। यहां से टी का वैल्यू दिया हुआ 3, के का वैल्यू आपको निकालना है, लेंथ दिया हुआ है 9 मीटर, 9 का √ करेंगे तो 3 हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स दिया हुआ है 4, तो यहाँ से 3 काटोगे तो के का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4। ठीक, ये बात पता चल गया, ये पता ही है हमें, टी बराबर K × √L/G पता है। बोलो पता है क्या, अब यहाँ से टाइम निकालना है, टाइम का जो डिफरेंस है वो निकालना है, लेंथ दिया हुआ, के का वैल्यू 4 दिया हुआ, लेंथ क्या दिया हुआ 64 का √ यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या दिया हुआ 16। तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये हो जाएगा 4 × 16 और ये 8 निकलेगा, तो 4 × 8 टाइम का जो अंतर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 सेकंड का हो जाएगा। इसलिए इस पे हम लोग ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे हैं, ये इस तरह का क्वेश्चन हमने पीछे भी बताया था, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आते हैं 139 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कहा जा रहा है एक होटल में एक फिक्स खर्च है, दूसरा खर्च व्यक्ति के संख्या पर निर्भर करता है। देखो ये इस तरह का जो क्वेश्चन है बिजली बिल पे भी देता है, कि बिजली का जो बिल है एक फिक्स है और जितना यूनिट उठेगा उस पर एक अलग खर्च। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से इसको देखना। यदि 10 व्यक्तियों का खर्च 6000 है और 25 व्यक्तियों का कुल खर्च 360 रुपया हो, औसतन 360 रुपया हो, तो 40 व्यक्तियों का कुल खर्च क्या होगा। देखो ध्यान से समझना, एक होटल में एक फिक्स खर्च है, फिक्स खर्च हमें नहीं पता, मान के चलते एक्स है। ठीक है, दूसरा व्यक्ति खर्च पर निर्भर करता है, मान के चलते हैं कि 10 व्यक्ति है, ठीक है,
और एक्स रुपया इसका फिक्स खर्च है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, उसके बाद जो कहा जा रहा है एक्स रुपया, या यहाँ पर फिक्स लिख लो एफ आई एक्स, ठीक है, और एक्स रुपया मान के चलते प्रत्येक व्यक्ति पे खर्च है। तो 10 व्यक्तियों का खर्चा ये बता रहा क्या 6000 रुपया है, ठीक। 25 व्यक्तियों का जो खर्चा है तो फिक्स तो पता ही है, लेकिन फिक्स यहाँ पर नहीं दिया हुआ, यहाँ पर सीधा सीधा दे दिया है क्या 360 रुपया है औसतन खर्च। तो हम लोग 360 रुपया औसतन खर्च लिखते हैं ऐसे, फिक्स अब प्लस 25x, ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो 360 रुपया दे दिया है, तो औसतन खर्च अगर एक आदमी पर 360 है तो 25 आदमी पर 360 गुना क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। आपको पता है कि 25 से हमने मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बताया था, तो ये डायरेक्ट 9000 हो जाएगा। बोलो होगा क्या, मल्टीप्लीकेशन में देखना कैसे किया हमने, यहाँ से 4 से डिवाइड किया और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया। तो 4 से डिवाइड करोगे तो 90 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा, तो 90 गुना 100 9000 हो गया। अब आप इसको बना सकते हो, देखो दो तरह से बना सकते हो। क्वेश्चन में पूछा जा रहा क्या 40 व्यक्ति का खर्च कितना होगा, 40 व्यक्ति का खर्च कितना होगा, ठीक है। ध्यान से देखो इसको ऐसे, तो फिक्स तो सब जगह है, फिक्स सब जगह है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि 25 आदमी अगर जाएगा तो फिक्स मान के चलते हैं कि 25 आदमी में कितना आदमी और एक्स्ट्रा जा सकता है 15, तो मिलकर के क्या हो जाएगा 40। बोलो होगा क्या, 25 आदमी में अगर 15 आदमी और एक्स्ट्रा चले जाए, देखो 10 आदमी जाएगा तो भी मान के फिक्स ही चलेगा, 25 आदमी जाए तो भी फिक्स रुपया उतना ही लगेगा, 100 आदमी जाए तो भी फिक्स उतना ही लगेगा। मान के चलते एक होटल के आगे हम खड़ा है और उसमें एक आदमी जाए तो भी फिक्स चार्ज लगेगा, मतलब होटल में एंट्री किए 100 रुपया लग गया, चाहे खाओ चाहे नहीं खाओ। अब 20 आदमी जाओ एक साथ झुंड में तो भी 100 रुपया लगा, बात समझे। तो 25 आदमी जा रहा था फिक्स लग रहा था, अगर 15 आदमी इसी के साथ घुस जाए तो ये वाला फिक्स तो यहाँ पर रहेगा, बोलो। लेकिन 15 आदमी एक्स्ट्रा, तो 15 आदमी एक्स्ट्रा जाने का क्या मतलब है कि 25x तो आएगा और 15 आदमी एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी 15x भी आएगा, बोलो आएगा, यानी तभी तो 40x हो पाएगा ना। तो टोटल खर्च क्या होगा, देखो ध्यान से, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, इसमें से इसको घटा दो तो फिक्स से फिक्स कट गया, 25x में से 10x गया तो 15x हुआ, 15x हुआ, और 9000 से 6000 गया तो 3x हुआ, तो 3000 हुआ। तो 9000 में से 6000 घटाएंगे तो 3000, यानी 15x बराबर हमारा 3000 आया हुआ, और फिक्स प्लस 25x, फिक्स प्लस 25x हमारा क्या आया हुआ बोलो 9000 आया हुआ क्या। तो 9000 में अगर हम लोग 3000 को ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12000, आंसर हो गया। बात आप समझे, अगर बात नहीं समझे देखो ध्यान से, फिर मैं एक बार समझाता हूँ। 25 आदमी जा रहा था, उसके साथ अगर 15 आदमी और चले जाए तो 40 आदमी हो जाएगा। तो जब 25 आदमी जा रहा था फिक्स दे रहा था, तो इस आदमी, ये जो 15 आदमी का झुंड है इसको फिक्स नहीं लगेगा, ये फिक्स यहीं पर आ जाएगा। 25 आदमी जा रहा था तो 25x लग ही रहा था, 15 आदमी जाएगा तो 15x और लगेगा, तो 40x हो गया ना। फिक्स प्लस 25x का वैल्यू पहले से पता है 9000, 15x बराबर निकालेंगे कैसे, तो इसमें से इसको घटा दो, देखो ध्यान से। तो फिक्स से फिक्स कट गया, अब 25x में से 10x गया तो 15x हुआ, और 9000 में से 6000 को घटाए तो 3000 हुआ, तो 15x जो हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ था उसमें 3000 खर्च हुआ, आंसर हो गया 9000 प्लस 3000 मिलके 12000, खत्म, क्लियर। आगे बढ़े, 140 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 140 नंबर का क्वेश्चन समझने का कोशिश करो। कहा जा रहा है एक चूहा जितने समय में 22 छलांग लगाता है, एक चूहा 22 छलांग लगाता है जितने समय में, मान के चलते हैं कि पर मिनट लगाता है 22 छलांग, ठीक। उतने ही समय में बिल्ली 17 छलांग लगाती है, 17 छलांग लगाती है पर मिनट, बात आप समझे क्या। यहां पर नहीं दिया हुआ लेकिन हम जानबूझकर के पढ़ दे रहे हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आए। 22 छलांग पर मिनट लगाता है चूहा और बिल्ली 17 छलांग पर मिनट लगाता है, ठीक है। अब कहा जा रहा चूहे का 22 छलांग ठीक है, वो बराबर है 17 छलांग बिल्ली के, यानी हम लोग बोल सकते हैं चूहा और बिल्ली कितना कितना मीटर कूद सकता है एक छलांग में, तो 17 और ये 22, बात समझे।
तो चूहा 1 सेकेंड में, मान के चलते हैं कि 17 मीटर जो कूदता है और बिल्ली 22 मीटर कूदता है एक छलांग में, तो प्रत्येक छलांग का ये मीटर में आ गया, दूरी में आ गया, किस में आ गया, दूरी में, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है, तो चूहे और बिल्ली के चालों का रेशियो ज्ञात करें, चालों का रेशियो ज्ञात करें, ठीक। अब यहाँ पर चूहे और बिल्ली के चालों का रेशियो ज्ञात करें, तो ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है इसमें। अब 22 छलांग लगाता है 1 मिनट में, और 22 छलांग में अगर चूहा 17 मीटर कूद जाता है तो टोटल हम लोग बोल सकते हैं 22 × 17 मीटर, बोलिए। और इसी तरह से इसको बोल सकते हैं 17 × 22 मीटर, बोलिए, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये एक तरह से डिस्टेंस भी हो गया, बोलो हो गया क्या। और जब टाइम होता है कॉन्स्टेंट, जब टाइम होता है कॉन्स्टेंट, जब टाइम होता है कॉन्स्टेंट, तो डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड होता है। तो जो डिस्टेंस का रेशियो है, जो डिस्टेंस का रेशियो है, वही इसके स्पीड का रेशियो हो जाएगा, 1:1, खत्म। एक बार फिर से समझो, एक चूहा 22 छलांग लगाता है जितने टाइम में, मान के चलते भर दिन में लगाता है 22 छलांग लीजिए, एक बिल्ली उतने ही समय में भर दिन में 17 छलांग लगाती है। कहा जा रहा 22 छलांग चूहा का 17 छलांग बिल्ली का बराबर है, तो चूहा और बिल्ली का डिस्टेंस का जो रेशियो निकलेगा वो 17 इस तरफ आएगा, 22 उस तरफ जाएगा, ये बात तो पता ही आपको। अब 22 छलांग एक दिन में और चूहा मान के चलते हैं कि 17 मीटर कूदता है, तो 17 मीटर कूदेगा तो कितना डिस्टेंस तय करेगा, 22 × 17, और बिल्ली 22 मीटर कूदता है तो 17 छलांग में 17 × 22, तो टोटल जो डिस्टेंस तय किया, टोटल जो डिस्टेंस तय किया वो 22 × 17 प्रतिदिन और 17 × 22 प्रतिदिन, तो ये डिस्टेंस का भी रेशियो हो गया और ये स्पीड का भी रेशियो हो गया, खत्म। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 141 नंबर का एकदम पूर्ण रूप से मैं आप पे छोड़ूंगा, 141 नंबर का मैं एकदम नहीं बताऊंगा अभी, 142 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखो ध्यान से। 4 आदमी के वेतन का रेशियो 3:2:1:4 है, 4 आदमी है, 3:2 इसका जो सैलरी का रेशियो दिया हुआ, 3:2:1:4 दिया हुआ, ठीक है। वे अपनी वेतन को क्रमशः 10%, 15%, 12%, 20% बढ़वा ले तो इनकी आय का इनकम क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया ये तो। ये 10% बढ़ा रहा है, ये 15% बढ़ा रहा है, ये 12% बढ़ा रहा है, और ये 20% बढ़ा रहा है, तो इसका इनकम का रेशियो क्या है, यानी सैलरी का ही रेशियो क्या है, ये ज्ञात करें। तो इसमें कुछ भी नहीं है, आपको करना क्या है, बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। आप चाहेंगे तो इसको 300, 200, 100, 400 कर लो, देखो कितना आसान हो गया। तो 300 का 10% 30 होता है तो बढ़ जाएगा 330, 200 का 15% 15 × 30, ठीक है, तो 230 हो जाएगा ये, और 100 का 12% 112 हो जाएगा, 400 का 20% 480 हो जाएगा। काट दो आंसर आ गया, काट दो आंसर आ गया, देखो ये 165 हो गया, ये 2 इकाई 2, 2 × 5 = 10, 115 हो गया, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, ये हो गया 240, अब तो कटेगा नहीं, यही रेशियो हो गया। आप इसको चाहेंगे तो ऐसे भी बना सकते हैं, ध्यान से देखो, 10% बढ़ा तो 3 का 10% बढ़ने का मतलब 110% बढ़ना, 3 का 10% बढ़ने का मतलब है 110% हो जाना। इसी तरह से 2 का 15% बढ़ेगा तो 2 × 115% लिख दो इसको, इसी तरह से 1 × 112% लिख दो इसको, और इसी तरह से 4 × 120% लिख दो, 20% बढ़ेगा 100% में तो 120 होगा ना, इसको भी सॉल्व करोगे तो देख लेना यही आ जाएगा आपका। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत आसान था, समझ में भी आ गया होगा, बढ़ते हैं। चलो 143 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी अब आप खुद से बनाएंगे, इस तरह का क्वेश्चन भी हमारा बनाया हुआ पहले से, 9900 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटो कि B को A तथा C का 2/3 मिले, ठीक है, तथा C को A तथा B का 3/8 मिले, तो तीनों का अलग अलग हिस्सा ज्ञात करें। मिसलेनियस में ही देखना, दूसरा या तीसरा नंबर मिसलेनियस में, टाइप 8 में ही देखना, दूसरा या तीसरा नंबर इस तरह का बनाया हुआ है, ये अब आपके लिए टास्क है, ठीक। 144 नंबर का है, देख लो, ए प्लस बी का, ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, यहां पर देख लो क्या दिया हुआ, 144 नंबर का, ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है इसमें।
56,000 रुपया को ए प्लस बी प्लस सी में इस प्रकार बांटा गया कि सी को ए प्लस बी का, सी को ए प्लस बी का 4/3 मिलता है, 4/3 मिलता है, ठीक। जबकि ए और बी का अनुपात, जबकि ए और बी का जो अनुपात है वो 5:7 है, तो तीनों का अलग अलग हिस्सा ज्ञात करना, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखो क्या कॉमन है, ए प्लस बी मिल के कॉमन है, तो ए प्लस बी मिल के 12 है, और यहाँ पर बोला नहीं हम ए प्लस बी मिल के 3 है, तो ये 12 है ये 3 है, किससे गुना कर दोगे 4 से, और ये 12 है तो 12 ही रहने दो। अलग अलग आप इसको लिख सकते हो ए बी सी, तो ए बी को हो जाएगा क्या 5/7 और सी का हिस्सा क्या हो जाएगा 16, बांट दोगे 56,000 में, कहानी खत्म, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन 7, 5, 12 इसको ऐड कर दोगे 28 आ जाएगा, 28 2 56, क्लियर।